आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर पूरे ही देश नहीं बल्कि विश्व भर में योगा को लेकर बहुत ज्यादा उल्लास है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ कई लोग योगा कर रहे हैं, क्योंकि योग न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी इंसान को स्वस्थ बनाता है। आज बातचीत भी करेंगे, क्योंकि आज सबसे खास बात यह है कि जो इस बार का योगा का थीम है वो महिला सशक्तिकरण है, इंडिपेंडेंट वुमेन्स जिसे कहा जा सकता है। और आज के वक्त में जैसे महिलाएं जो है खूब आगे बढ़ रही हैं, इस पर इस बार का थीम रखा गया है। बातचीत भी करेंगे, लोगों से जानेंगे कि योगा उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है और पूछेंगे कि वो कितना वक्त निकालते हैं। तो सबसे पहले तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप बताइए सर, योगा कितना ज्यादा जरूरी है? योगा बहुत ज्यादा जरूरी है सारी हेल्थ के लिए, और हम लोग जो है वो यहाँ पे रोज इकट्ठा होते हैं और डेली जो है वो एक घंटा हम एक्सरसाइज करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल आर हेल्थ। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ आर डेली लाइवलीहुड। सो वी बेसिकली टेक योगा वेरी सीरियसली। तो देखिए, योगा कितना जरूरी है ये तो आपने सुन लिया, योगा कैसे करना है ये भी हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो योगा टीचर है उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि जितने भी लोग यहाँ योगा करने आते हैं, आप देखिए सब एक साथ एक फॉर्म में योगा करते नजर आ रहे हैं। बातचीत भी करेंगे। आप बताइए, योगा कितना ज्यादा जरूरी लगता है आपको? जी, योगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे भी आपने बोला, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक आपकी हेल्थ के लिए भी योगा बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि योगा का जो जन्म है वो इंडिया में हुआ है और हजारों साल से योगा इंडिया में होता आ रहा है। तो अगर हमें ऐसा करने का मौका मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, तो मतलब योगा सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इतना प्रसिद्ध हो चुका है। इस बार का थीम भी विमेंस के ऊपर है, इंडिपेंडेंट वुमेन के तौर पर देखा जा रहा है कि आज के इस वक्त में जो विमेंस है काफी स्ट्रांग है हर क्षेत्र में, हम कह लें उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि विमेन के बगैर तो पूरी सृष्टि ही नहीं है, है ना। तो हम तो बिल्कुल बिल्कुल बैकबोन है पूरे हर चीज़ की। तो विमेन का जो एम्पावरमेंट है, विमेन का जो इस बार थीम रखी गई है वो बहुत अच्छी थीम रखी गई है, और विमेन को फोकस पे हमेशा मतलब देना चाहिए फोकस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, क्योंकि देखिए अगर औरतें आगे बढ़ती हैं तो सिर्फ औरत नहीं आगे बढ़ती, उनके साथ उनका पूरा परिवार आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो देखिए, योगा कितना ज़रूरी है और विमेन्स पर थीम है, तो आप समझ सकते हैं ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बताइए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है योगा आपको? कितना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर बंदे को करना चाहिए और टाइम निकालना चाहिए। बिल्कुल। आप डेली करती होगा? ओके। अच्छा, आपको बताइए आपके लिए योगा कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत जरूरी है, मैं हूँ तो मेरा घर है, और मुझे लगता है प्रत्येक दिन हर महिला को अपने लिए आधा घंटा एक घंटा, चाहे वो वर्किंग हो या होम मेकर हो, जरूर अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, पूरे शरीर के लिए, मेंटली हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। तो देखिए, फिजिकली मेंटली जैसा कि हम बता भी रहे हैं योगा के फायदा क्या है वो आप सुन रहे हैं। आप बताइए मैम, कितना ज्यादा जरूरी है योगा? योगा बहुत जरूरी है, वो भी सबके लिए। ऐसा नहीं है कि आज योग दिवस है तो आज ही हम करें, लेकिन हमें डेली करना चाहिए। ये सुन लीजिए, क्योंकि आज योग दिवस है इसलिए जरूरी नहीं कि आज ही करें, डेली वक्त निकालिए, और योगा बहुत जरूरी है। आप बताइए आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप योगा को कैसे देखते हैं? योगा बहुत ज्यादा जरूरी है, आई थिंक जो फ्लेक्सिबिलिटी योगा लेके आता है एंड अंदर से जो ग्लो भी आता है योगा से, दैट्स जस्ट अनमैच, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एंड अगेन लाइक पीपल सेड, सिर्फ आज नहीं करना है, हम रोज करते हैं योगा, एंड सुबह से स्टार्ट करो तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, सुबह अगर एक बार बस एक घंटा निकाल के योगा कर लो तो। बिल्कुल। और भी लोगों से जानेंगे, क्योंकि आज महिलाओं के ऊपर थीम है, तो आज रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है योगा के लिए, क्या कहेंगे? या योगा जो है बॉडी के लिए, माइंड के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पर्सनली बताऊंगी, आफ्टर कोविड मेरा स्टेमिना बहुत लूज हो गया था, बट आई एम डूइंग योगा सिंस लास्ट 6 months एंड आई एम सीइंग द इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ। तो योगा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए। योगा कई तरह के होते हैं, आपको आप उठ नहीं सकते तो आप चेयर पे कर लो, बेड पे कर लो, पार्क में कर लो, कहीं भी कर सकते हो, तो इट्स अ मस्ट टू डू थिंग। सुनिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं निकलना पड़ रहा है, योगा अगर आप करना चाहें तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं वक्त निकाल के। अब योगा टीचर से भी हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो वो दे सके हमें, क्योंकि बहुत जरूरी है सही तरीके से योगा करना और योगा को समझना। तो आज बात करेंगे और जानेंगे, सर आप योगा करा रहे हैं, कितना ज्यादा जरूरी है योगा? योगा हमें उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हम हमारे शरीर को सही रखने के लिए, जीवन को सही रखने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उतना ही जरूरी हमें योगा है हमारे जीवन के लिए। योगा से हमें हर तरह के बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और जो ये प्रूफ हो चुकी हैं कि योगा करने से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं।
ठीक है, योगा जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि खाना खाने के बाद भी हम सोचते हैं कि कौन सा ऐसा आसन है, अगर आप वो थोड़ा एक डेमो करके दिखाएं। खाना खाने के बाद एक आसन है जो छोटे से लेके बड़े तक कोई भी कर सकता है और किसी भी स्थान पे कर सकता है। जब हम घर में भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद चाहे हम ऑफिस में हैं या किसी भी हम प्लेस में हैं, तो वृजासन होता है जो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। बिल्कुल, तो ये देखिए जो वृजासन है वो करके दिखाएंगे, जो खाना खाने के बाद आप आमतौर पर जो है कर सकते हैं। हाँ, इसमें बताइए। और दोनों लेग्स हो गए और हम देखेंगे पंजों को इस तरीके से होल्ड करेंगे और हम कमर स्ट्रेट करके कम से कम 10-15 सेकंड 20 सेकंड जितने ज्यादा से ज्यादा समय हम इस पोजिशन में बैठ सकते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है और ये सभी को करना चाहिए, खासकर जो ज्यादा घूम नहीं पाते हैं। जिनको नींद में प्रॉब्लम है उनके लिए तो मैं कहूंगा कि वो डॉक्टर से सजेशन लेके ही इसको करें। इस आसन में कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बैक सपोर्ट ले लेते हैं, तो एक बार आप पीछे का पोस्चर भी बताएंगे टर्न होकर कि कैसे आप बैठे हैं और लेग्स कैसे आपके लॉक्ड हैं। हाँ, जैसे हम सीधा खड़े होते हैं तो हम नॉर्मली हम बैठते हैं। हाँ। पहले हम ये दोनों घुटनों को जमीन से टच करेंगे, टच करने के बाद लेफ्ट लेग को पहले इस पोजिशन में लेके आएंगे और फिर राइट लेग को, और हम सीधा हम इस पोजीशन में रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। ये हम कहीं भी किसी भी स्थान पे कर सकते हैं और भोजन करने के बाद ये बहुत ही अच्छा आसन है और एक यही आसन है जो हम भोजन करने के बाद कर सकते हैं। तो ये योगासन आप सुन रहे थे, देख भी रहे थे कि किस तरीके से करना जरूरी होता है, और आप मेरे ठीक पीछे देखिए कि बहुत सारे लोग योगा कर भी रहे हैं और अलग अलग आसन ट्विस्टिंग के साथ ही रोटेटिंग और फिर स्ट्रेचिंग, हर चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है योगा को लेकर, वो क्या सोचते हैं। आप बताइए योगा कितना जरूरी है। योगा हमारे लिए इतना जरूरी है जितना मैं समझता हूँ, जितना मेरे लिए खाना जरूरी है उतने मेरे लिए योगा जरूरी है। मेरी मेंटली मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मॉर्निंग योगा करके पूरे दिन फुल एनर्जी में रहता हूँ, मेरे फुल एनर्जी में पूरे दिन रहते हैं। योगा करना देखिए इसलिए भी जरूरी है। आप बताइए आपको क्या लगता है। मुझे भी अच्छा, योगा करना सबके लिए बहुत जरूरी है, योगा से बहुत स्टैमिना बना रहते हैं, बाकी और चीज में बहुत अच्छा होता है। योगा करना चाहिए, हर किसी को योग करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए। और भी लोग बैठे हैं सीनियर सिटीजन, उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताइए योगा कितना जरूरी आपको लगता है। आज के जीवन में भाग दौड़ के इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है योगा, क्योंकि योगा से कम तो अपनी जो ब्रेन और शरीर की फिटनेस वगैरह सब एक्टिव रहेगी। तो सुन रहे थे आप कि कई ऐसे भी सीनियर सिटीजन हैं जिनको योगा के जो महत्व है वो अच्छे से पता है। सर आपको पता, आप बताइए योगा कितना जरूरी है। योगा मैडम बहुत जरूरी है लाइफ के लिए और ये हर एज के लिए। हाँ। और खासकर हम लोगों के लिए कि जो थोड़े से अपर एज में आ गए हैं। हाँ। तो इसमें यह है, एक तो आपका एक नियमित वो बन जाता है, धारणा बन जाती है कि ठीक है जी मैंने उठ के जाना है, सैर करना है, एक नियम बन जाता है आपका। और सेकेंडली इसमें ना कोई ज़्यादा वो आपको जोर वगैरह नहीं लगाना पड़ता। हाँ। यानी एक सांस की एक्सरसाइज है, वैसे एक्सरसाइज है, जिससे ना ये एक साधारण तरीके से एक आम तरीके से ये आपको रिजनरेट करता है। चलिए यहाँ पर और भी जानेंगे योगा के बारे में। मैम आप बताइए योगा कितना जरूरी है। योगा बहुत जरूरी है अपने शरीर और माइंड के लिए। स्वस्थ रहता है आपका माइंड और शरीर। हमें रोज करना चाहिए योगा, जब तक आपका शरीर अलाउ करता है आपको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, तो जरूर योगा करना चाहिए। और भी लोगों से बात करें। मैम योगा कितना जरूरी है। योगा बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि नई नई बीमारियां लग रही हैं लोगों को, तो इसलिए योगा बहुत जरूरी है। तो आप सुन रहे हैं कि देखो महिलाओं के लिए जो है वो रखा गया है थीम इस बार, और योगा करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। हालांकि संयोजक से भी बात करेंगे जिन्होंने पूरा आयोजन किया है, उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे। आप क्योंकि खुद महिला हैं और इस बार का थीम भी महिलाओं पर रखा गया है, तो क्या कहेंगे योगा कितना जरूरी है। योगा जितना पानी पीना सांस लेना जरूरी है उतना ही योगा जरूरी है। कितना मतलब फायदा मिलता है इससे। फायदा आप जो मांगोगे वो मिलेगा। आप ऐसे कोई चीज नहीं है कि जो ना मिले, सब कुछ मिलेगा। तन मन और चित्त सब में फायदा मिलता है। शारीरिक सुख मिलता ही है, मन शांत होता है और जितनी भी चित्त की वृत्तियां हैं सब शांत हो जाती हैं। यही तो चाहिए आदमी को, शांति ही तो चाहिए। इन तीनों से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ जीवन का निर्वहन कर सकते हैं और पूरे समाज में भी एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। योगा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाया जा रहा है, मतलब योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई है, उसके लिए क्या कहेंगे। योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे जो पहचान मिली है उसके पीछे हमारे
संस्थापक सिद्ध प्रकाश लाल जी का प्रण और संकल्प है। उन्होंने 58 वर्ष पूर्व योग मनाना शुरू किया था योग दिवस, और तब से लगातार हम 2 अक्टूबर को योग दिवस मनाते थे। लेकिन संयोग से उन्होंने कहा था पूरा विश्व इस योग की महिमा को जानेगा, और संयोग से 2014 में भारत की पहल पर यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और इसमें सर्वांगीण विकास होता है। एक दो अंग नहीं, सर्वांगीण। और सबसे बड़ी बात तो मस्तिष्क कोई दवाई नहीं बनी, उसका इससे स्वस्थ रहता है, स्वस्थ होता है उससे। कह भी रहे हैं कि ना केवल शारीरिक बल्कि अगर देखें तो मस्तिष्क के लिए भी बहुत ही अच्छा है योगा। तो हाँ बताइए, इंसान का जो उद्देश्य है ना, हम बिल्कुल फ्री योगा करते हैं, कोई डोनेशन नहीं, कोई फीस नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में भी निस्वार्थ योगा करवाते हैं। हमारा संस्थान करीब 57 साल से पूरे विश्व में, हमारे देश में करीब 23 प्रांतों में और विदेशों में करीब 10 में बिल्कुल निष्काम भाव से पूरी सेवा दे रहा है। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई राजनीति नहीं, सबका स्वागत है। सब आकर के बिल्कुल निष्काम भाव से बिल्कुल जुड़ते हैं और ऐसे ही सेवा करते हैं। नया नया क्लास खोलते हैं, नया नया केंद्र खोलते हैं, और उसके माध्यम से हम पूरी सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आप सुन रहे हैं कि जो संस्था है उनका यही है संदेश देने का पूरा इरादा कि योगा बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कोई लालच है, ना कोई फायदा है, बल्कि योग बहुत जरूरी है। बताइए, योग कराते तो बहुत आजाद के विषय सीजन आ रहा है, लेकिन भारतीय योग संस्थान स्पेशली पूरे विश्व में जो क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ इसको कराता है उतना कोई नहीं कराता। एक एक आसन, एक एक प्राणायाम में साइंटिफिक रीजन है। भोजन कैसा करनी है उसके विषय में चर्चा करते हैं, समाज में कैसा रहना चाहिए उसे करते हैं। हर योग का एक महत्व होता है, और आप देख भी सकते हैं कि कई लोगों ने योगा किया भी। और इसी के साथ इसी तरह तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन सोनू के साथ अंशिका पाठक, न्यूज 18।